ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। गया शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गया नगर निगम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन कर रही है ताकि संक्रमण को खत्म किया जा सके। वहीं इसी क्रम में गुरुवार को भी मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखोरी ओकरनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, पार्षद व निगम कर्मियों ने मानपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 47, 48, 49 एवं 51 में सैनिटाइजेशन किया। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना को हराने की जंग में निगम के कर्मवीर योद्धा पिछले 15 दिनों से लगातार सड़क पर है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। आज सभी वार्डों में विशेष अभियान के तहत सैनिटाइजेशन व फॉगिंग करा दिया गया है, लेकिन ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। जो गलियां मोहल्ले छूटे हुए हैं उन्हें अभी उन सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन ऐसे ही चलता रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन उपकरणों के साथ गया नगर निगम 20 वाहनों से शहर के प्रधान पथ, मुख्य पथ व मोहल्ले के घरों, दुकानों, स्कूलों, थाना, सरकारी दफ्तर, शमशान घाट, कोविड अस्पताल सहित अन्य जगहों को युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन कर रही है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्रों को फॉगिंग कराई गई। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था भी चुना और ब्लीचिंग के साथ चकाचक रखा गया। उन्होंने कहा कि मन में दृढ़ संकल्प के साथ निगम के जनप्रतिनिधि, निगम प्रशासन व कर्मी किसी भी परिस्थिति आम नागरिकों के साथ है, बस आप सहयोग प्रदान करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। निगम के सैनिटाइजेशन अभियान जैसे ही वार्ड संख्या 51 पहुंचे, वैसे लोगों ने ऊपर से किलोमीटर तक पुष्प वर्षा की। घर के एक एक सदस्य निगम योद्धाओं पर पुष्प वर्षा करते हुए तालियों से उनका स्वागत करते नजर आए। संकट की घड़ी में नगर सरकार आपके द्वारा कोई देख रेख हो या ना हो, लेकिन सराहना करती रहेगी। लोग कहते हैं और चल रहे थे, निगम के जनप्रतिनिधियों व निगम प्रशासन व कर्मी ने मंडरा रही संकट पर देकर विश्वास जीत लिया है। आज हम लोग वार्ड नंबर 48, 49, 51, 47 वार्ड में सभी रोड संकेत गलियों में हम लोग ने सैनिटाइज किया। इसमें से हमारे माननीय पार्षद धर्मेंद्र जी, वार्ड नंबर 51 के पार्षद मनोज जी, हमारे डिप्टी मेयर, नगर निगम के सभी कर्मचारी तत्पर हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग 15 दिन से शहर को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं और कोरोना में हम लोग भगाने में हम लोग सफल होंगे। साथ ही साथ मैं प्रभारी मंत्री को भी और स्वास्थ्य मंत्री को एक संदेश देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि जो मेडिकल की व्यवस्था है ठीक नहीं है। हम आग्रह करेंगे कि मेडिकल में जो कोविड-19 पेशेंट है उनको अच्छा से देख रेख करें और वहां अच्छी व्यवस्था करें। व्यवस्था ठीक है, लेकिन मुझे कुछ दुर्भाग्य से सूचना मिली है कि वहाँ की व्यवस्था अच्छा नहीं, वहाँ जाने के बाद कोई देखभाल नहीं किया जाता। जिस तरह से नगर निगम के सभी कर्मचारी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि मेडिकल की व्यवस्था सुधरे। वार्ड नंबर 47, 48, 49, 51 सोरी टोला, मानपुर, पटवा टोली, बुनियादगंज, अलीपुर, खाजहाँपुर इत्यादि में सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और ब्लीचिंग का अभियान चलाया गया। हम लोग लगातार आज लगभग 15 दिन हो गया है विशेष अभियान का। बाकी रात में जो चलता है फॉगिंग वार्ड वार्ड और वार्ड में जो सैनिटाइजिंग होता है, फिर और मशीन सेकंड हाफ में जो शाम के पानी में निकलता है वो सारा चल रहा है लगातार। हम लोग निरंतर गली रोड जहाँ भी संभव हो सका है गए हैं और खुद से अध्ययन किया और देखे। आज हम लोग ये कह सकते हैं कि नगर निगम अपनी तत्परता पर पूरी तरह
खड़ा है, रोड पर है, जितना कुछ बन पड़ रहा है, कोई कहीं से कोई सहायता नहीं होने के बावजूद भी निगम अपने दमखम पर इतना अभियान सालों से चला रहा है, इतना विशेष अभियान भी चला रहा है। मेरा एक गुजारिश अनुरोध होगा, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीति से परे होकर के ये बात रखना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में एमपी साहब, एमएलए साहब, मंत्री साहब या प्रभारी जो बनाए गए हैं, वो गया अपने अपने जिलों का बने हैं, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मैं टिका टिप्पणी के ख्याल से नहीं कह रहा हूँ, ये एक बार नहीं अनगिनत बार ये पहले कह रहा हूँ, उसके बाद आगे ये कह रहा हूँ कि एमपी साहब, विधायक जी और प्रभारी मंत्री जी और संबंधित पदाधिकारी अगर बैठ जाते हैं और निगम के भी लोग रहें, सब लोग रहें, ना दल से इसमें मतलब है, ना पार्टी से मतलब है, ना पद से मतलब है।